हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आरपीएफ ने किया अवैध टिकटों के कारोबार से भांडाफोड़, 8,972 पास टिकटें की बरामद, 1,96,40,820 रुपए आका गया है मूल्य। ब्यावर निवासी 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पर्सनल यूजर आईडी, अनाधिकृत सॉफ्टवेयर रेयर मैंगो ब्लैक टीएस एचपी नेगेट रेड मिर्ची सॉफ्टवेयर किया उपयोग। आरपीएफ टीम ने रेलवे टिकटों के अवैध काले कारोबार का पर्दाफाश किया। आबू रोड आरपीएफ निरीक्षक प्रदीप कुमार में टीम ने अजमेर जिले के ब्यावर में कार्यवाही की। ब्यावर निवासी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 1,96,40,820 रुपए मूल्य की 8,972 पास टिकटें बरामद की गई। आरपीएफ के अनुसार अजमेर जिले के ब्यावर में रेलवे सुरक्षा पोस्ट में रेलवे एक्ट के तहत ब्यावर के अनिल कुमार पुत्र सुबालाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामलों में पकड़ी गई 3 पर्सनल यूजर आईडी व 16 सितंबर को रियल मैंगो ऐप सर्वर से प्राप्त संदेहास्पद नंबरों की मंडल स्तर पर एनालिसिस किया गया। इस दौरान आरोपियों द्वारा अन्य पर्सनल यूजर आईडी स्वयं की मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड होना पाई गई, जिस पर मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुग के निर्देशन में जांच अधिकारी निरीक्षक प्रदीप कुमार, सौनी राकेश कुमार व हेड कांस्टेबल भैरू राम द्वारा डाटा एनालिसिस किया गया, जिसके आधार पर आरोपी अनिल कुमार से पूछताछ की गई। उसके द्वारा अन्य पर्सनल यूजर आईडी व अनाधिकृत सॉफ्टवेयर रेयर मैंगो व अन्य से रेल टिकटों के अवैध कारोबार करना स्वीकार किया। आरोपी अनिल कुमार द्वारा रेलवे टिकटों का अवैध रूप से 417 निजी यूजर आईडी बनाकर व्यापार करना पाया गया, जिनको विवरण प्राप्त करने पर 1,96,40,820 रुपए मूल्य के 8,972 पास टिकटें पाई गई। प्रकरण में आरोपी अनिल कुमार का सहयोगी ब्यावर के सेंदर रोड के पृथ्वीराज कॉलोनी निवासी एजेंट रतन सिंह रावत पुत्र विजय रावत को गिरफ्तार किया गया। वांछित अन्य आरोपी को रेसू टीम द्वारा ब्यावर के अरिहान कॉलोनी निवासी महेंद्र पुत्र राधेश्याम से 20 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा 5 पर्सनल यूजर आईडी से 238 पास टिकट पाई गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए मुख्य आरोपी अनिल कुमार द्वारा अन्य अनाधिकृत सॉफ्टवेयर ब्लैक टीएस एचपी नगेट रेड मिर्ची सॉफ्टवेयर आदि का भी इस्तेमाल कर रेलवे टिकटों का अवैध कारोबार करना स्वीकार किया है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अजमेर मंडल में रेलवे के आरक्षित टिकट बनाने वाले एजेंटों पर गहनता से निगरानी रखी जा रही है। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।